बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमारा कुरकुरा नाश्ता ये बनके तैयार हुआ है कच्चे आलूओं से 2 मिनट में। फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही लाजवाब हमारा नाश्ता ये बना है और बच्चों को आप झटपट बना के दे सकते हैं। मेहमान भी पूछेंगे कि कैसे बनाया इतनी जल्दी फास्ट, और बहुत ही आपकी तारीफ़ करेंगे और सॉस के साथ इसे इंजॉय करें। तो बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं, इनको हम इस तरह से छील लेंगे। फ्रेंड्स इसका नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से हम सिप्पी की सहायता से आलू को छील लेंगे। आलू हमने छील लिए हैं, इस तरह से हम इनके टुकड़े कर लेंगे। आप इस नाश्ते को बनाने के लिए उबले हुए आलूओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस तरह से इसके बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं। अब हम आलूओं को धो लेंगे। आलूओं को हमने धो लिया है 3-4 बार, इनका स्टार्च निकाल दिया है। अब हम इन्हें जार में डालेंगे, सभी आलूओं को मैंने जार में डाल दिया है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी चावल डालेंगे, ये उबला हुआ चावल है, आप कच्चे चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भिगो के और 1/2 घंटे के लिए रख दें और फिर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे पास ये उबले हुए चावल थे तो मैं इससे नाश्ता बनाऊंगी। और 1/2 कटोरी मैंने सूजी ली है, जितने चावल थे इतनी ही मैंने सूजी ली है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे ग्राइंड में जार में। और मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी हैं इसमें, लहसुन की कलियां डाल दी हैं 4। अब हम इनको एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सारा पेस्ट हमने एक बाउल में निकाल लिया है और हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, क्योंकि आलू में भी पानी होता है और इस उससे ही ये पिसकर तैयार हो चुका है। ये देखिए पूरा पेस्ट हमने निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे, इस तरह से फेंटेंगे 1 मिनट। 1 मिनट हो गया है इसको फेंटते हुए। अब हम इसमें 1 प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई, कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी भी डाल रखी है इसमें मिर्च, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है मैंने, गरम मसाला डाल देंगे, जो भी आप मसाला खाते हो उसे डाल दें और हाथ की सहायता से इस तरह से इसे फेंट लें। जितना अच्छा ये फिटेगा उतना ही अच्छा हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा फूला फूला। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने फेंट लिया है, अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा लाल कुटी हुई हम मिर्च डाल देंगे। अब इसे फिर से फेंट लेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। पैन में ऑयल गरम करने के लिए हमने पहले ही रख दिया था, ये गरम हो चुका है अच्छे से, हमने गैस को लो कर दिया है। अब हम चम्मच की सहायता से इसमें ये बैटर को डालेंगे, जैसे हम बड़े बनाते हैं सेम इसी तरीके से सबको हम इस तरह से डाल देंगे और धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे, जिससे कि अंदर से ये सिक जाए और कुरकुरा नाश्ता हमारा बनके तैयार हो। ये देखिए हम इनको देख चेक कर लेते हैं और इनको पलट देते हैं। ये देखिए सिक चुके हैं एक साइड से, हम इन सबको पलट देंगे। दूसरी साइड से भी हमने इनको पलट दिया है, ये देखिए अच्छे से सिक चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया है इनका। फ्रेंड जैसे देखने में ये अच्छे लग रहे हैं, इतने ही खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, इसको ज़रूर ट्राई करें। आप बच्चों को कभी भी इनको बना के दे सकते हैं नाश्ते में, हल्का फुल्का नाश्ता ये जल्दी से तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारे सिक्के तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम फिर से इनको डाल देंगे चम्मच की सहायता से।
दूसरा बैच भी हमारा सिक्के अच्छे से तैयार हो चुका है और देखिए दोनों साइड से ये करारा हो गया है। इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। सभी नाश्ते को हमने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुआ है बनकर और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा ये। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।